नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। एक्सप्रेस वेज पर चलते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कब आपका कंट्रोल स्टेयरिंग पर से खो जाएगा और गाड़ी कहीं जाकर लड़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इन रोड्स पर गाड़ियों की रफ्तार हद से ज़्यादा तेज होती है। नॉर्मली 120 किलोमीटर पर आर के अराउंड तो इनकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट ही रहती है, तो इतने स्पीड में गाड़ियाँ इस पर चलती ही चलती हैं। हालांकि कुछ ड्राइवर्स चौड़ी और खाली रोड देखकर गाड़ियों की रफ्तार को और भी ज़्यादा तेज कर लेते हैं, करीब 150 से भी ऊपर। और ऐसा कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लोग करते हैं। अब ओवर स्पीडिंग के साथ साथ इन रोड्स पर दो सबसे मेजर चीज़ें जिससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, वो हैं गाड़ियों का टायर फटना या फिर ड्राइवर को नींदा जाना। एक्सप्रेस वेज पर चलते समय काफ़ी सारे लोग टायर्स के प्रेशर और कंडीशन पर ध्यान नहीं देते हैं, और लगातार कई किलोमीटर तेज रफ्तार में चलने पर अगर टायर में प्रॉब्लम है तो वो फट जाते हैं, जिससे गाड़ियां आसानी से अनकंट्रोल हो जाती हैं। वहीं कई बार ड्राइवर्स लगातार गाड़ी चलाकर थक जाते हैं और उन्हें बीच में झपकी आ जाती है, तो इस सिचुएशन में भी गाड़ियां अनकंट्रोल हो जाती हैं। और आज के इस वीडियो में भी आपको इन्हीं सब वजहों से एक्सप्रेस वे पर हुआ एक भयानक एक्सीडेंट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। यह एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के एक बड़े पॉलिटिशियन श्री मानवेंद्र सिंह जी का हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने जीप कंपस से एक्सप्रेसवे से होते हुए जयपुर की तरफ जा रहे थे, तभी अलवर के पास अचानक से उनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और सड़क से उतरकर सामने सेफ्टी वॉल में जाकर घुस गई। यहाँ पर गाड़ी के अनकंट्रोल होने का रीजन एग्जैक्टली सामने नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कंपास सीधा तेज रफ्तार में गई है और थोड़ी दूर जाने के बाद ये अनकंट्रोल होकर राइट साइड मीडियन में उतर गई है। अब जैसा कि ये एक्सप्रेस वे है तो नॉर्मली गाड़ी की स्पीड भी ज्यादा रही होगी, कुछ जगह बताया जा रहा कि ये 120 के आसपास थी, कुछ जगह 130 बताया जा रहा, और कुछ न्यूज चैनल्स में इसकी स्पीड 150 से 160 किलोमीटर पर आर के अराउंड बताई जा रही है। खैर जो भी रहो, गाड़ी तो तेज थी, अभी 150 थी 160 थी उसके बारे में नहीं बोल सकते। हालांकि जब ये सड़क से मीडियन में उतरी होगी तब इसकी स्पीड थोड़ी बहुत कम हुई होगी, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड भी ज्यादा थी। अब फोटोज में साफ देख सकते हैं SUV ने सेफ्टी वॉल को सीधा जाकर हिट कर दिया है, जिसके वजह से ये वॉल भी काफ़ी हद तक टूट गया है और SUV भी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। ज़बरदस्त इंपैक्ट से कंपास का फ्रंट, बोनट बम्पर, हेडलाइट, फेंडर वगैरह के साथ अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। वहीं पीछे की बात करें तो इसका लेफ्ट साइड वाला ए पिलर कुछ हद तक मुड़ गया है और विंडशील्ड टूट गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान पीछे नहीं आया है, रूफ इंटैक्ट है और पीछे वाले पिलर्स भी ठीक ठाक सेफ दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं गाड़ी का कैबिन भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है और इसके एयरबैग्स वगैरह भी खुले हुए हैं। जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ उस समय SUV में 4 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, श्री मानवेंद्र सिंह जी, उनकी वाइफ, उनका बेटा और गाड़ी चला रहा ड्राइवर। और अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में मानवेंद्र सिंह जी की वाइफ की डेथ हो गई, जबकि उनको, बेटे और ड्राइवर को चोटें आई हैं। हालांकि अब सभी सेफ हैं। तो भाई यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद स्टार्टिंग में कुछ अलग तरह की चीज़ें सामने आई थी। बताया जा रहा था कि मानवेंद्र सिंह जी ड्राइव कर रहे थे, उनकी वाइफ बगल में बैठी थी और बाकी दो लोग पीछे बैठे थे, लेकिन बाद में बताया गया कि उनका बेटा और ड्राइवर आगे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, को ड्राइवर सीट पर बेटा बैठा था और पीछे ये हस्बैंड वाइफ थे। यहाँ पर ऐसे गाड़ी के अनकंट्रोल हो जाने का रीज़न ड्राइवर को झपकी आ जाना बताया गया है, जो कि देख कर लग भी रहा है। अभी रिसेंट में आपको मैंने एक एक्सीडेंट दिखाया था फोक्सवैगन पोलो का, उसमें भी आपने देखा होगा गाड़ी सीधे जा रही होती है, फिर अचानक से ये लेफ्ट रोड से उतरती है और सीधा जाकर ढाबे के एक बाउंड्री वॉल में घुस जाती है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है, तो ज्यादातर चांसेस यही हैं कि ड्राइवर को झपकी आ गई है और वो गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और ये जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन फिर भी भाई जितनी मजबूत ये गाड़ी है और जिस तरह से इसने परफॉर्मेंस दिया है उस हिसाब से अंदर बैठे पैसेंजर की जान नहीं जानी चाहिए थी, और बाकी तीन लोग तो यहाँ पर सेफ भी हैं। आगे जो दो लोग बैठे थे एयरबैग्स की वजह से वो काफ़ी हद तक सेफ थे, पीछे जो थे उन्हीं को ज़्यादा इंजरीज आई हैं। और आपको भाई पता होगा इंडिया में बैक सीट पर बैठने वाले पैसेंजर्स अभी भी सीट बेल्ट ना पहनकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने साइरस मिस्त्री जी के एक्सीडेंट का देखा होगा, जो मर्सिडीज जैसे गाड़ी में बैठकर भी बच नहीं पाए थे, कुछ वैसा ही इम्पैक्ट इस गाड़ी में भी पड़ा है।
अगर बैक सीट पर बैठे पैसेंजर से सीट बेल्ट का यूज़ कर रहे होते तो शायद उनकी जान न जाती और इतनी मेजर इंजरीज ना आती। तो भाई लोगों को समझना चाहिए और एटलीस्ट हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर कार में बैक सीट पर बैठकर सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कब आपके साथ क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए कुछ पता नहीं होता है। गाड़ी आप कितनी भी करोड़ों रुपए वाली मजबूत 5 स्टार क्यों ना रखे हों, इस तरह के एक्सीडेंट में वो कभी आपको सेफ नहीं रख पाएगी। तो गाड़ी अच्छी खरीदने के साथ साथ और भी चीज़ों पर ध्यान रखें, तभी आप रोड पर चलते हुए सेफ रह पाएंगे। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है और क्या लगता है इसे कैसे टाला जा सकता था या फिर पैसेंजर की जान कैसे बच सकती थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।